नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में पार्थ फोस्टर में। मैं शशांक आप सभी का साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, 2 दिन में सेशन नहीं ले पाया था कुछ पर्सनल रीजन के कारण। बट लेट्स बिगिन द सेशन, लेट्स कंटिन्यू द अपनी रीजनिंग। जो मेन्स के लिए हम लोग टारगेटेड है, जो हम लोग करते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज फिर से। एंड टुडे इज द डेट नंबर 26। आज 26वां पार्ट है, 26वां दिन है इस सीरीज का। ऑलरेडी 25 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए, बिना ज्यादा बकवास किए हुए फटाफट से स्टार्ट करेंगे सेशन को। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट यू वोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स एंड वीडियोस फ्रॉम आवर चैनल। एंड फॉर द पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च, जिसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसमें आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपको वीडियो देखना पसंद नहीं है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहली पजल के साथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ब्योरा कंटेक्स्ट कि हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो एक करेंगे पजल, सर्टेन फ्लैटेन फ्लोर विद वेरिएबल। एक सर्टेन फ्लैटेन फ्लोर है, जैसे अनसर्टेन पजल रहती है ना कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, और जैसे फ्लोर की भी रहती है कुछ लोग बैठे लेकिन पता नहीं रहता कितने फ्लोर पे, तो उसी तरीके से फ्लैटेन फ्लोर बेस्ड करेंगे। ऐसे हम ऑलरेडी एक दो कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, और आज हम दूसरा तीसरा पार्ट करेंगे इसका। तो एक ये पजल रहेगी, एक रहेगी कंसेंट्रिक स्क्वायर टेबल विद ब्लड रिलेशन। मतलब स्क्वायर टेबल रहेंगी, दो स्क्वायर टेबल जिसमें ब्लड रिलेशन इंक्लूडेड रहेगा, एक ये पजल है। और तीसरा पार्ट है डायरेक्शन कार टाइप, कार के टाइप पे एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करेंगे, मिसलेनियस का पार्ट है। ठीक है, दो पजल एंड वन मिसलेनियस। सो लेट्स बिगिन द सेशन, स्टार्ट करेंगे पहली पजल के साथ। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, जिसमें बोला जा रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर लिविंग इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में रह रहे हैं कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। देर आर टू फ्लैट ऑन ईच फ्लोर, हर एक फ्लोर पे दो फ्लैट है, मार्क्ड वन एंड टू इन सच अ वे फ्लैट वन इज इमीडिएटली वेस्ट ऑफ फ्लैट टू। फ्लैट वन वेस्ट में, फ्लैट टू अपना मतलब ईस्ट में, मतलब लेफ्ट और राइट इस तरीके से है। फ्लोर्स आर मार्क्ड इन सच अ वे, कहने का मतलब है कि फ्लैट वन इमीडिएट वेस्ट का मतलब हो गया कि फ्लैट वन ऐसे रहेगा और फ्लैट टू रहेगा उसके इमीडिएट राइट में, और बीच में इस तरीके से लाइन खींच देंगे और अपने ये फ्लोर्स अपने इस तरीके से बनते रहेंगे। ठीक है, फिर फ्लोर्स आर मार्क्ड इन सच अ वे लोअर मोस्ट फ्लोर इज मार्क्ड एज वन, जस्ट अबव इट इज मार्क्ड एज टू एंड सो ऑन। द सैलरी ऑफ ईच पर्सन इज डिफरेंट, और हर एक पर्सन की सैलरी डिफरेंट है। फ्लैट्स एडजेसेंट टू ईच अदर मीन्स इधर लेफ्ट राइट और अप डाउन। मतलब अगर आप कहीं पे एक लाइन बोली जा रही है कि ए लिव्स एडजेसेंट फ्लैट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए यहाँ पे है तो बी इसके एडजेसेंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि उसने यही बोला है इधर लेफ्ट राइट, या तो लेफ्ट राइट या फिर अप या डाउन, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो हम लोग आगे मूव करेंगे। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, लंबी चौड़ी पजल, अच्छी खासी पजल है, और एक अपनी रफ शीट देगी जहां पे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशंस देखते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। वाई लिव्स थ्री फ्लोर बिलो डी, वाई 3 फ्लोर नीचे रहता है डी से। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, वाई 3 फ्लोर नीचे है किससे, डी से, और डी जिसकी सैलरी 23,000 है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, वाई 3 फ्लोर नीचे डी, डी जिसकी 23,000 है, डी जिसकी सैलरी 23 है उससे 3 नीचे कौन है, वाई 1, 2 और 3, वाई इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और वाई 3 फ्लोर, वाई लिव्स 3 फ्लोर बिलो डी, वाई 3 फ्लोर के डी डी, ठीक है, इस तरीके से है, ये हम लोगों को फिक्स कर देना है, अभी करेंगे बाद में। ठीक है, द वन हु सेल इज 21 के लिव्स जस्ट बिलो वाई इन द सेम फ्लैट। मतलब जिसकी 21 है वो वाई के जस्ट नीचे है, 21 जिसकी सैलरी वो वाई के जस्ट नीचे है, और इन द सेम फ्लैट एज वाई, वाई के सेम फ्लैट में, तो 21 और वाई वाले सेम फ्लैट में रहेंगे, दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे। ठीक है, अभी पता नहीं है एक्स और वाई कहां पे रहेंगे, लेकिन सेम फ्लैट में रहेंगे। बट लिव्स इन अ डिफरेंट फ्लैट ऑफ टी, लेकिन डी से डिफरेंट फ्लैट में रहता है। अब डिफरेंट फ्लैट का मतलब क्या हो गया, 21 और डी वाला, डी वाला और 21 वाला दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे, दोनों किस में रहेंगे, डिफरेंट फ्लैट में। तो मतलब वाई और 21 सेम फ्लैट में और डी डिफरेंट फ्लैट में, तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हम लोग की बनेंगी, अभी बना लेंगे बाद में। ठीक है, फिर ये भी बोला जा रहा है नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ डी, डी के वेस्ट में कोई है नहीं। तो आपको एक बात तो क्लियर होगी, एक बात तो आपको क्लियर होगी कि डी अपना रहेगा इस तरीके से, डी ऐसे रहेगा, ठीक है, या फिर है ना डी ऐसे रहेगा, और एक दो दो नीचे छोड़ के तीसरे नंबर पे आ जाएगा वाई, वाई आ जाएगा यहाँ पे, और एक और एक दो ये ऐसे बन जाएंगे, और डी के साथ एक ऐसे बन जाएगा, और डी की सैलरी कितनी है 23, तो मैंने 23 लिख दी यहाँ पे। ठीक है, वाई के जस्ट नीचे 21 वाला है सेम फ्लैट में, तो वाई के जस्ट नीचे 21 आ गया सेम फ्लैट में ये। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में यहां से हटा दे, ये वाला पार्ट यहां से हटा दे रहा हूँ, डी और वाई देखो डिफरेंट फ्लैट हो गए, जो मैंने लिखा हुआ था वाई और 21 सेम फ्लैट हो गए, तो ये वाला पार्ट में यहां से हटा दे, इसकी मुझे नीड नहीं है। ये हम लोग को समझ में आ गया हमने कैसे किया है।
ठीक है दोस्त, चलो आगे देखिए, आगे और क्या क्या बोला जा रहा है। पेंसिल द पर्सन हु लिव्स टू फ्लोर अबव द वन हु सैलरीज 21K लिव्स ईस्ट ऑफ पी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 21 सैलरी वाले के जो दो फ्लोर ऊपर रह रहा है वो पी के ईस्ट में है, तो पी के ईस्ट मतलब इस तरीके से आएगा, फ्लैट टू में, और फ्लैट वन में पी रहेगा और 21 वाला फ्लैट टू में रहेगा। तो द वन हु लिव्स द पर्सन हु लिव्स टू फ्लोर अबव द वन हु सेल्स 21K, 21K वाले के दो फ्लोर ऊपर एक और एक दो, वो ईस्ट में रहता है पी के ईस्ट में। ये इस तरीके से बन गया एक पॉइंट, तो अपना ये वाला हो गया, ये फिक्स हो सकता है ना। 21 हमारी आ चुकी है, 21 आ चुकी है, 21 के दो ऊपर एक और एक दो पी के ईस्ट, तो पी अपना यहां बनेगा डेफिनेट इस तरीके से। ये चीज अपनी यहां पे बन जाएगी इस तरीके, ठीक है। तो इसकी भी अब मुझे नीड नहीं है, हटा दे रहा हूं मैं इसको यहां से। पी एंड ए लिव्स इन एडजेसेंट फ्लैट, पी और ए एडजेसेंट फ्लैट में। अब देखो पी अगर ये गया तो ए या तो यहाँ पे आएगा जस्ट नीचे उसके, ए उसके या तो इमीडिएट राइट में आएगा या ए उसके जस्ट ऊपर आएगा। तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती है, अभी होल्ड पे रखेंगे। पी और ए एडजेसेंट फ्लैट में है, एडजेसेंट फ्लैट, ठीक है ना। द वन हु सैलरी इज 29K लिव्स जस्ट अबव एज फ्लैट। 29 जिसकी सैलरी है वो ए के फ्लैट के जस्ट ऊपर है। ए के फ्लैट के जस्ट ऊपर मतलब दोनों सेम फ्लैट में है, याद रखना। अगर आपको बोलता है ए के जस्ट ऊपर फ्लोर पे, फ्लोर मतलब किसी भी फ्लैट में रहेगा, लेकिन फ्लैट के जस्ट ऊपर का मतलब होता है दोनों ही सेम फ्लैट में रहेंगे। तो दोनों ही सेम फ्लैट में रहेंगे, ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। 29 जिसकी सैलरी वो ए के जस्ट ऊपर वाले फ्लैट में है। अब देखो ए अपना अगर मैंने पी के जस्ट ऊपर रखा तो ए के जस्ट ऊपर 29 वाला तो नहीं आ पाएगा, है ना, क्योंकि 29 वाला ए के जस्ट ऊपर आएगा और पी और ए एडजेसेंट फ्लैट में। तो अगर ए को मैंने डी और पी के बीच वाले फ्लैट में रखा तो ए के जस्ट ऊपर 29 नहीं आएगा, तो ए अपना या तो यहां पे आएगा या फिर ए अपना पी के राइट में आएगा। तो पी के राइट में या तो ए रहेगा और पी के नीचे एक इस तरीके से, और उसके नीचे वाई, वाई के नीचे 21, है ना, और पी के ऊपर एक छोड़ के ऊपर डी, डी जिसकी सैलरी कितनी है 23, 23 लिख दिया और फिर यहाँ पे एक गैप और ये इस तरीके से। तो ए अपना इस तरीके से बन गया। ए के जस्ट ऊपर 29 वाला, जो 29 वाला यहाँ बन जाएगा इस केस में, और इस केस में 29 वाली किसकी सैलरी हो जाएगी, पी की हो जाएगी। ये चीज यहाँ तक सॉल्व हो गई है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, पी और ए एडजेसेंट फ्लैट और इस तरीके कैसे बनाए, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर बोल रहा है द वन सेल इज 29K लिव्स फोर फ्लोर अवे फ्रॉम यू इन द सेम फ्लैट। 29 के वाला चार फ्लोर अवे है यू से, एक दो तीन, 29 और यू के बीच में तीन का गैप आएगा इन द सेम फ्लैट, और दोनों ही किसमें रहेंगे, सेम फ्लैट में रहेंगे, दोनों ही किसमें रहेंगे, सेम फ्लैट में रहेंगे 29 और यू वाले, ठीक है। अच्छा आगे और देख लेते हैं, आगे और क्या बोला जा रहा है, क्योंकि अभी 29 और यू हमारा फिक्स नहीं हो पाएगा ना। 29 यहाँ पे तो यू ऊपर भी जा सकता है, यू एक दो तीन नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर इसके मैं दो पॉसिबिलिटी बनाऊं और इसकी भी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी तो चार केस हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आगे और पढ़ लेते हैं पहले। ई हु सैलरी इज 32K, ई जिसकी सैलरी 32 है, ई जिसकी सैलरी 32 है लिव्स ऑन द सेम फ्लोर विद यू, वो यू के साथ सेम फ्लोर पे है, तो ई और यू कहां पे रहेंगे, सेम फ्लोर, सेम फ्लोर, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में जितने फ्लोर हैं, मान लो एक्स फ्लोर एंड डी और ई के बीच में, सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन द वन हु सैलरी इज 29K एंड 36K। तो 29 और 36 वाले के बीच में भी एक्स नंबर ऑफ फ्लोर आएंगे, ठीक है। अभी कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि यू जब तक फिक्स नहीं होगा जब तक कुछ कहानी बनेगी नहीं, तो यू को पहले फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। द वन हुज सैलरी इज 36K लिव्स अबव एज फ्लोर, 36 वाला ए के ऊपर रहता है, अब जस्ट ऊपर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इन द सेम फ्लैट टाइम, और दोनों ही सेम फ्लैट में आएंगे, किसमें आएंगे, दोनों ही सेम फ्लैट में आएंगे, ठीक है। एक पॉइंट अपना ये भी है, एक पॉइंट ये भी है, सर्कल मतलब इनको स्क्वायर में फिक्स करते रहे, ठीक है। द वन हु सैलरी 36K लिव्स ऑन द सेम फ्लोर विद जी, अच्छा 36 वाला जी के साथ रहता है, 36 जिसकी सैलरी है वो जी के साथ सेम फ्लोर पर रहेगा, ये भी सेम फ्लोर पे होंगे दोनों 36 और जी वाले, और जी हु लिव्स सेकंड फ्रॉम द टॉप फ्लोर। तो जी सेकंड फ्रॉम द टॉप फ्लोर का मतलब क्या हो गया, एक और जी, तो जी के ऊपर केवल एक ही फ्लोर रहेगा, जी के ऊपर केवल एक ही फ्लोर रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा ए के ऊपर 36 रहेगा, 36 के साथ जी आएगा, ए ये गया, ए के ऊपर 36, 36 अपना अगर मैंने जस्ट ऊपर मान लिया तो जी यहां पे आ जाएगा। नहीं, अभी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ और देख लेते हैं और क्या क्या दे रखा है। यू नीदर लिव्स एट द टॉप नॉर एट द बॉटम, अच्छा यू टॉप और बॉटम पे है नहीं, यू टॉप बॉटम पे आएगा नहीं, टी लिव्स थ्री फ्लोर अवे फ्रॉम जी, टी तीन दूर पे है जी से, तो एक दो टी लिव्स
लिप्स 3 फ्लोर अवे फ्रॉम जी, ठीक है, टी 3 दूरी पे, जिसे टी और जी के बीच में 2 का गैप आएगा, एंड लिप्स ईस्ट ऑफ द वन हु सेल इज 28 के, और टी जो है 28 वाले के ईस्ट में आएगा, 28 वाले के ईस्ट में आएगा इस तरीके से, ठीक है। 28 है क्या कहीं पे? नहीं है, बहुत सारा पॉइंट हो गया अभी तो। और 28 के लिप्स 3 फ्लोर अब एच, 28 वाला 3 ऊपर है एच से, 28 वाला 1 2 3 ऊपर है एच से इस तरीके से, ठीक है। और एच हूज सैलरी 31 के, और एच की सैलरी कितनी है? एच की सैलरी है 31। ये क्या करें भाई, एच भी नहीं है कुछ भी नहीं है। 29 और यू को ही स्टार्ट करते हैं, 29 और यू में 3 का गैप आएगा ना, देखो 29 अगर मैंने ये केस नंबर 1 मान लेते हैं, केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2, ठीक है। 29 मान लो अगर मैंने यहां पे रखा हुआ है, 29 अगर यहां पे, तो है ये 1 2 3, तो यू अपना या तो इन दोनों में से कहीं पे आएगा, यू अपना या तो यहां आएगा या फिर यू अपना यहां पे आएगा, दोनों में से कहीं एक जगह पे आएगा 29 और यू, है ना। अच्छा 29 और यू सेम फ्लैट में भी आएंगे, दोनों अगर सेम फ्लैट में आएंगे तो यू यहां पे तो नहीं आएगा, यू अपना फिर कहां रहेगा? यहां पे। सपोज दैट यू मैंने यहां पे मान लिया है, ठीक है। अच्छा ई 32 और यू सेम फ्लोर पे आएंगे, तो ई अपना यहां पे आ जाएगा और इसकी सैलरी कितनी जाएगी? 32। तो 29 और यू में कितने आ गए? 3 आ गए। और डी और ई में जितने हैं, देखो ई हो गया तो इधर डी और ई और 29 36 हो जाएगा, डी और ई में कितने आ रहे हैं? डी और ई में 1 2, ये एक और आएगा यहाँ पे, सॉरी 1 2 3 4, डी और ई में 4 आ रहे हैं, तो 29 और 36 में भी 4 आने चाहिए, 29 36 में 4, और ए के ऊपर 36 जाएगा, तो 1 2 3 4, 36 यहां पे आएगा और ए के सेम फ्लैट में आएगा, तो 29 36 में 4 आ गए, 1 2 3 4, क्योंकि आपको बोला था कि ए के ऊपर 36 रहता है सेम फ्लैट में, और 36 के साथ जी रहता है सेम फ्लोर पे, तो 36 के साथ जी सेम फ्लोर पे यहाँ पे आ जाएगा, और जी टॉप से सेकंड था, टॉप से सेकंड ऐसे बन गया। एक चीज तो ऐसे बन सकती है, एक चीज तो ऐसे बन सकती है, यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है, और यू टॉप बॉटम पे है नहीं, तो यू के नीचे भी कम से कम एक आना चाहिए, तो ऐसे आ जाएगा, एक चीज तो ये समझ में आ रही है मेरे को। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि यू ऊपर चला जाए, तो यू को ऊपर भी ले जाके देख लेते हैं एक बार, एक ये वाला तो बन रहा है, ये चीज तो समझ में आ रही है, ये चीज तो समझ में आ रही है कि ये बन रही है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी ले जाके देख लेते हैं एक बार कैसे ले जाएंगे। 29 और यू में 3 का गैप आएगा, तो 1 2 और 3, है ना, और यू क्या आएगा? 29 और यू सेम फ्लैट में रहेंगे, तो 1 2 3, तो यू अपना यहां आ जाएगा, और यू के संग ई 32, तो भाई 1 2 और ई 32 यहां पे आ गए, ठीक है। डी और ई में यहाँ पे कितने हो गए? 2। डी और ई में 2 हो गए, तो 29 36 में 2 होने चाहिए, तो 29 36 में 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 36 वाला इन दोनों में से कहीं आएगा, और 36 ए के सेम फ्लैट में, तो 36 यहाँ पे आ जाएगा, और जी अपना यहाँ आ जाएगा, और जी टॉप से सेकंड पे भी हो गया। लेकिन जी टॉप से सेकंड होने के बाद इसमें एक दिक्कत ये हो गई कि यू अपना टॉप पे आ जाएगा, क्योंकि जी अगर टॉप से सेकंड पे है तो यू अपना टॉप पे हो गया, और यू टॉप पे हो नहीं सकता। तो आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या हो गया कि यू नीचे ही जाएगा 29 के, यू कहां पे जाएगा? नीचे ही जाएगा 29 के, ठीक है, 29 के तो नीचे ही जाएगा यू, तो 29 के नीचे जाएगा, तो 1 2 3 यू यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे रहेगा, ठीक है, और यू के साथ कौन था? ई 32, तो यहां पे आ जाएगा ई, और जिसकी सैलरी कितनी है? 30। इस तरीके से डी और ई में 1 2 3 4, 4 लोग आ रहे हैं, डी और ई में 4 है, तो 29 36 में 4 होंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 36 अपना यहां आ जाएगा, 36 के साथ जी आएगा, तो 1 2 3 और जी अपना यहां पे आ गया, 36 और जी साथ में आ गए, और जी सेकंड पे है टॉप से, तो 1 जी के ऊपर रहेगा फ्लोर इस तरीके से। केस नंबर 1 में तो सारी चीजें फिक्स हो गई, और यू टॉप बॉटम पे है नहीं, तो यू के नीचे भी एटलीस्ट एक फ्लोर तो आएगा ही आएगा, और कितने आ जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तो आएगा ही आएगा। ये वाले पॉइंट हमने यहां तक फिक्स कर लिए, ठीक है। अच्छा, और ए के ऊपर 36 सेम फ्लैट, ए के ऊपर 36 सेम फ्लैट, ठीक है, सही जा रहा है। यू टॉप बॉटम पे, टी और जी के बीच में 2 का गैप आएगा ना, यही बोला था ना, एक मिनट और देख लें। टी लिप्स 3 फ्लोर अवे फ्रॉम जी, अच्छा दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, टी 3 फ्लोर ऊपर है जी के, या फिर ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है, तो जी के ऊपर तो जाएगा नहीं टी, तो 1 2 नीचे ही आ सकता है टी, और टी नीचे आएगा, और आपको ये भी बोला है टी ईस्ट में है 28 के, तो 1 2 टी अपना यहां पर रहेगा, और 28 सैलरी वाला यहां पर रहेगा इस तरीके से, ठीक है। टी और 28 इस तरीके से फिक्स हो जाएंगे, सारी चीजें फिक्स होती हुई चल रही है अभी तक, तो टी बन गया ऐसे। अब जरा इधर भी हम लोग फोकस रखते हैं, इधर भी जरा फोकस रखते हैं, 29 के ऊपर नीचे यू देखना है। देखो अगर 29 के ऊपर यू रख के देखता हूं, 1 2
तीन, तो यू अपना यहां आ जाएगा, और यू के साथ कौन आना था, यू के साथ 32 ई आना था, तो यहां पे 32 और ई ऐसे आ गया। डी और ई में कितने हो गए, डी और ई में एक हो गए, डी और ई में एक हो गए, तो 29 और 36 के बीच में कितने होने चाहिए, 29 36 में भी एक होना चाहिए, तो 29 अगर ये गया तो एक छोड़ के 36 अपना ऊपर ही आएगा, क्योंकि एक ही ऊपर चाहिए, और एक ही ऊपर चाहिए सेम फ्लैट में, तो 29 और 36 एक नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी 23 दे रखा है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, यू ऊपर नहीं जाएगा इस केस में भी, यू कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, यू कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और यू अगर नीचे आएगा तो 29 और यू में 3 का गैप है, तो 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 यू यहां पे आ गया, यू के साथ कौन आएगा, 32 ई ई 32 ठीक है। अब यहां पे डी और ई में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, डी और ई में 5 आ रहे हैं, तो 29 और 36 में 5 आएंगे, और 36 ऊपर जाएगा एक है, तो 29 के भी ऊपर ही जाएगा 36, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ठीक है, 3 4 है, 1 2 3 4 5 हाँ ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 36 अपना यहां पे आ जाएगा, और 36 के साथ जी आएगा, जी अपना यहां आएगा, और जी टॉप से दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे टॉप से हमने इसको कर दिया जी को, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ ठीक है। अच्छा देखो अब 29 यू वाला पॉइंट फिक्स हो गया, मैंने इसको काट दिया, 29 और यू सेम फ्लैट में आना चाहिए, तो देखो 29 और यू, 29 और यू हाँ सेम फ्लैट में है दोनों ही केस में, दोनों केस में देख लो यू ये गया, 29 ये गया ठीक है। ई 32 और यू सेम फ्लोर पे आएंगे, ये भी हमने फिक्स कर लिया, ई 32 और यू, ई 32 यू सेम फ्लोर हो गए, 36 और जी सेम फ्लोर, ये भी हमने फिक्स कर लिया, 36 जी सेम फ्लोर दोनों केस में, और टी और जी के बीच में 2 का गैप आएगा, तो टी और जी के बीच में 2, और टी अपना ईस्ट में 28 के, तो 1 2 टी अपना यहां पे आएगा, और 28 वाली सैलरी जिसकी वो यहां पे आएगा ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब ना अगर डिजिटल बोर्ड होता तो थोड़ा अच्छा सा कर लेते, लेकिन अब चलो इससे ही काम चला लेते हैं, जो चीज है उसी में काम चलाएंगे। 28 और टी और जी में 2 आ गए, और 28 के ईस्ट में टी आ गया ठीक है। अच्छा टी और जी में 2 हो गए, 28 2 ऊपर है एच के, नहीं 3 ऊपर है, 28 और एच में 2 का गैप आएगा, और एच की सैलरी 31 थी ना, एच हूज सैलरी 31 के, तो 28 के 2 छोड़ के एच आएगा नीचे, 1 2 तो एच आएगा यहाँ पे, और एच की सैलरी कितनी हो गई 31, और यहाँ पे देख लो 28 कहाँ है, 28 ये गया, 1 2 छोड़ के एच आ नहीं पाएगा, ये केस हो गया गलत, क्योंकि 28 एक डी और फिर एक ये 29 और फिर एच तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि पी और ए फिक्स है, तो अपना केस कौन सा सही जाएगा, केस नंबर 2 सही जाएगा। यहां तक अपन को सारी बातें क्लियर हो गई हैं, एच को हम लोग यहां पे बना लेते हैं प्यारा सा एच, एच 31 ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया जी के ऊपर 2 फ्लोर है, ये भी हम लोग कर ही चुके हैं, ये वाली बात तो जी के ऊपर 2 फ्लोर कर चुके हैं, डी ई ये हो चुका है, 36 के ऊपर ए ये हो गया, यू टॉप बॉटम पे है नहीं, तो यू के नीचे एटलीस्ट एक तो आएगा, ये सारी चीजें हम लोग की फिक्स है अभी तक। फिर नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एच एंड ए, एच और ए के बीच में जो फ्लोर है वो एक कम है, नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन यू एंड के, एच और ए के बीच में कितने आ रहे हैं, एच और ए के बीच में 0 आ रहे हैं, तो यू और के बीच में एक आएगा। अब के अपना या तो यहां पे आएगा, या के अपना नीचे भी जा सकता है, के अपना या तो यहां पे आएगा 21 वाले फ्लोर पे जिसमें 21 सैलरी है, या फिर के नीचे भी जा सकता है, तो एच और ए के बीच में अगर एक कम है ना, एच और ए के बीच में एक्स माइनस वन है किससे, यू और के से, तो यू और के में अगर एक्स, तो एच और के में, एच और ए में 0, तो एच और ए में कितने आ रहे हैं, एक्स माइनस वन की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यू और के में 1 आएंगे, के अपना कहीं भी आ सकता है देखा जाएगा। एटलीस्ट 3 फ्लोर आर बिलो केस फ्लैट, के नीचे कम से कम 3 तो आएंगे आएंगे, के नीचे एटलीस्ट 3, के नीचे एटलीस्ट 3, तो के को अगर मैं यहां रखता हूं नीचे तो और 3 बनेंगे, और के को अगर मैं 21 वाले संग रखता हूं तो 1 2 3 एटलीस्ट 3 बन जा रहे हैं, दोनों चीजें है ठीक है। और के जो है ईस्ट में है जिसकी सैलरी 42 है, और के ईस्ट में है 42 के, तो 42 के राइट में के है, के ईस्ट में है 42 वाले के ठीक है। नॉट मोर देन 14 फ्लोर आर देयर इन द बिल्डिंग, 14 से ज्यादा है नहीं, तो कितने हो गए अभी तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो चुके हैं। अगर आप ई के नीचे के को लेके आओगे ना, आपको क्या बोला है, यू और के बीच में एक बनाना है, के को अगर नीचे लाओगे यहां पे तो के नीचे 3 और खींचेंगे, तो ये 14 से ज्यादा हो जाएंगे, और 14 से ज्यादा हो जाएंगे तो अपनी कंडीशंस गलत हो जाएंगी, तो के अपना यहां नहीं आ सकता, के अपना कहां पे रहेगा, ऊपर, तो यू अगर ये गया तो के अपना 21 वाले के संग रहेगा, और 42 के राइट में के है तो 42 आ जाएगा अपना यहाँ पे, इस तरीके से 42 के राइट में के बन गया ठीक है। अच्छा के नीचे एटलीस्ट 3 आने, 1 2 3 एटलीस्ट 3 फ्लोर के नीचे है, ये भी बात सही है। 3 फ्लोर आर बिटवीन वी एंड के, वी और के बीच में 3 फ्लोर है, बट बोथ लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट टाइप, वी और के में 3 आएंगे, 1 2 3,
और दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे, डिफरेंट फ्लैट। अब के ये क्या, के ऊपर देखता हूं, एक दो तीन, के अपना फ्लैट टू में, तो वी अपना फ्लैट वन में आना चाहिए जो कि नॉट पॉसिबल क्योंकि डी है, तो एक दो तीन नहीं होगा, तो के नीचे वी आएगा, एक दो तीन वी आ जाएगा यहाँ पे, और एक ये बन गया यहाँ पे, तो टोटल 14 फ्लोर बन के आए शायद अपने, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस 11 12 13 14 14 फ्लोर बने, और ये अपना प्रॉपर परफेक्ट अरेंजमेंट बनेगा। ऊपर के दोनों फ्लोर खाली, फिर 36 जी जो कि मुझे पर्सन के बारे में नहीं पता है, फिर दो खाली, फिर 28 टी, डी 23, एंड सो ऑन, इस तरीके से। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? ये पजल कैसी लगी जरूर बताएगा, एग्जाम लेवल पजल है, एग्जाम में आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए मूव करेंगे अपनी दूसरी पजल पे, ये इसका हिंदी में दे रखा है पूरा का पूरा, अगर हिंदी वाले एस्पिरेंट तो हिंदी में भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली पजल देखते हैं, अगली पजल किस तरीके से, अगली पजल आपको दे रखी है कंसेंट्रिक स्क्वायर टेबल की दे रखी है। 8 पर्सन एच आई जे के एल एम एन ओ आर सिटिंग अराउंड 2 कंसेंट्रिक स्क्वायर टेबल, दो कंसेंट्रिक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, वन इज इंस्क्राइब इन अनदर वन, एक एक दूसरे के अंदर है, मतलब एक स्क्वायर टेबल अगर इस तरीके से दे रखी है तो उसके बाहर एक इस तरीके से दे रखी होगी स्क्वायर टेबल, ठीक है, तो एक दूसरे के अंदर हो गई है। फोर ऑफ देम आर सिटिंग इन द इनर टेबल फेसिंग आउटसाइड, चार लोग अंदर बैठे हैं आउटसाइड फेस करते हुए ये, एंड अनदर फोर ऑफ देम आर सिटिंग एट द आउटर टेबल फेसिंग द सेंटर, ऑल ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, सभी लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, कॉर्नर पे हम लोग बिठा दिया, और चार लोग बाहर बैठे हैं कॉर्नर पे इनसाइड करते हुए, तो मतलब आठों लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा। दे बिलोंग टू द सेम फैमिली हैविंग 3 जनरेशन, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसमें 3 जनरेशन है, और सारी नेसेसरी नहीं है, इसी क्रम बकवास लाइन है, ये यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे हम स्क्वायर बना लेते हैं पहले जल्दी से, एक स्क्वायर टेबल अंदर नहीं आ रही, क्या हो गया इस स्क्वायर को नजर लग गई, ठीक है, और एक स्क्वायर टेबल और बनाएंगे हम लोग जो कि इधर ऐसे बन जाएगी, ये बाहर वाले टेबल पे जो बैठे हैं वो अंदर देखेंगे और अंदर वाले जो है वो बाहर देखेंगे, और तो कॉर्नर पे सभी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एक केस तो ये बन गया, केस नंबर वन नाम दे देते हैं भाई, सही से बढ़ जाए, और एक टेबल और बना लेते हैं जिसमें सब आउटसाइड करेंगे, पहली बात तो ये क्लियर है, और एक स्क्वायर टेबल और बनेगी जो इसके बाहर बनेगी ये इस तरीके से, और ये सभी लोग कहाँ करेंगे, इनसाइड करेंगे, एक दो तीन और चार, यहां से हम लोग करेंगे एक दूसरा काम कलर चेंज करने का जो हमने कर लिया है, और इसको केस नंबर टू नाम दे देते हैं, ठीक है, ये केस नंबर वन और ये केस नंबर टू। चलिए जे इज द ओनली सिस्टर ऑफ एन, जे इकलौती सिस्टर है एन की, तो एन की इकलौती सिस्टर कौन हो गई, जे हो गई, ठीक है, एंड सिट फेसिंग द सेंटर, मतलब जे जो है सेंटर फेस करिए, सेंटर का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड मतलब बाहर वाले टेबल पे बैठेगी इस तरीके से, है ना। जे एंड जेज स्पाउस, मतलब जे की शादी हो चुकी है तो जे का यहाँ पे एक वो आ जाएगा हस्बैंड, एक ही हस्बैंड आएगा, जे एंड जेज स्पाउस सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो यहाँ पे जे है तो यहाँ पे या तो इसका जेज स्पाउस यहाँ पे आएगा बन के, है ना, या फिर जे का स्पाउस यहाँ बनेगा कि दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। केज सिस्टर एंड द ओनली सन ऑफ आई, देखो के की भी बहन है, एक ब्लड रिलेशन ये बनेगा के की एक बहन है, के की एक बहन इस तरीके से, एंड द ओनली सन ऑफ आई, एक रिलेशन ये बनेगा कि आई का इकलौता बेटा है कोई, तो आई का इकलौता बेटा इस तरीके से नीचे बनेगा, फेसेस ईच अदर एंड बोथ आर सिटिंग एट द डिफरेंट टेबल, इसको बाद में भी करेंगे, पहले ब्लड रिलेशन अरेंज करेंगे। आई इज द सन इन लॉ ऑफ ओ, आई सन इन लॉ है ओ का, तो आई लड़का हो गया और सन इन लॉ है ओ का, मतलब आई की शादी एक लड़की से हुई है जिसका पेरेंट कौन होगा, ओ, तो आई सन इन लॉ हो गया ओ का, एक तो ब्लड रिलेशन यहाँ पे चल रहा है और एक ब्लड रिलेशन यहाँ पे चल रहा है, और एक ये क्या, आई सन इन लॉ है ओ का एंड ब्रदर इन लॉ है के का, अब के का ब्रदर इन लॉ कैसे बन सकता है कि मान लो ये जो के की बहन की जगह यहाँ पे खाली है उसकी शादी आई से करा दूं, हो सकता है, या फिर आई जो है ब्रदर इन लॉ है के का, तो के का के की मतलब ऐसा हो सकता है कि आई की बहन से शादी के की हो जाए, आई की बहन से शादी हो जाए के की, कुछ भी हो सकता है, भी इसको होल्ड पे रखेंगे, लेकिन आपको बोल रहा है आई हैज नो सिबलिंग, आई का कोई सिबलिंग नहीं है, तो आई का अगर सिबलिंग नहीं है तो बात ये चीज कंफर्म हो गई कि आई ब्रदर इन लॉ के का कैसे बनेगा, के की बहन से शादी करेगा कौन, आई, है ना, और आई की जो बीवी है उसका पेरेंट कौन है, ओ, तो आई की बीवी कौन है ये, इसका पेरेंट कौन बनेगा, ओ, तो ओ बनेगा यहाँ पे,
और आई का एक लड़का है, तो आई का एक लड़का है तो उसके नीचे मैंने प्लस बना दिया, ऐसे तीन जनरेशन हो चुकी है ना। और ये वाला प्लेट रिलेशन मैंने वहां पे कन्वर्ट कर दिया, तो इसको मैं यहां से हटा देता। अभी ये एन और जे को कन्वर्ट करना बाकी, इसको होल्ड पे रखते हैं। ओनली टू मैरिड कपल्स आर इन द फैमिली, दो ही मैरिड कपल है, ईच कपल इज एटलीस्ट वन लड़का, मतलब वन सन। फिर बोल रहा है एम इज द नीस ऑफ एन, एम नीस है एन की, तो एन का जो भी मतलब भाई बहन होगा जिससे भी शादी हुई होगी उसका बच्चा होगा एम, तो एम नीस होगी एन की। और एन इमीडिएट राइट ऑफ ओज ओनली ग्रैंड डॉटर, ओ की एक ग्रैंड डॉटर, तो ओ ये गई तो ओ की एक ग्रैंड डॉटर एक दो तीन, मतलब इसकी एक बहन होगी इस तरीके से, ठीक है। हो भी सकती है या फिर हो सकता है कोई दूसरा पेरेंट हो, आई ना हो, अभी हम होल्ड पे रख के चलेंगे इस चीज को। एन इज द सन ऑफ द वन, एन इज द सन मतलब एन किसी का एक बेटा है, एन इज द सन ऑफ द वन, एन उसका बेटा है जो के की माँ है। एन किसका बेटा है, देखो के की जो माँ है ना, के की जो माँ है उसका बेटा एन है, तो मतलब के और एन क्या हो गए, सिबलिंग हो गए कि नहीं हो गए, तो के और एन सिबलिंग हो गए। तो एन इज द सन ऑफ द वन हु इज द मदर ऑफ के, तो के की मदर एन इज द सन ऑफ द वन हु इज द मदर ऑफ के, ठीक है। हु इज द मदर ऑफ के, तो के की मदर मतलब के की जो बहन, हाँ ठीक है, मतलब ओ ही हो गई ना, के की मदर तो कौन हो गई, नहीं ओ नहीं हुई, फादर भी तो हो सकता है। एन इज द सन ऑफ द वन हु इज द मदर ऑफ के, तो के की जो भी एक मदर रही होगी, के की जो भी एक मदर रही होगी, जो भी एक मदर रही होगी है ना, उसका बेटा कौन है, एन। तो मतलब एन जो हो जाएगा वो के का सिबलिंग हो जाएगा, एन जो हो जाएगा के का सिबलिंग हो जाएगा। ये वाली बात समझते हो कि नहीं समझते हो, कहने का मतलब ये है कि एन उसका बेटा है जो के की माँ है। तो देखो के की जो भी माँ होगी वो ऊपर वाली जनरेशन में होगी, ये अब ओ मुझे नहीं पता, ओ लड़का है लड़की, अगर माँ है तो एन यहाँ पे बनेगा, और बाप है तब भी एन यहीं पे बनेगा, क्योंकि बाप और माँ का ही बेटा होता है और बेटी होती है ना। अब एन की इकलौती बहन थी जे, तो एन की इकलौती बहन की जगह यहाँ पे खाली दिख रही है जे, मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। जे की शादी एक लड़के से हुई है, वो आई यहाँ पे बन गया, जे के नीचे एक बच्चा बन के आएगा एम जो की लड़की है, तो एम यहाँ पे बन के आ जाएगी इस तरीके से। तो कितने लोग हो गए परिवार में, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात लोग हो गए, आठवां पर्सन चाहिए, और दो मैरिड कपल है। अब दो मैरिड कपल है तो शादी मुझे जो करानी पड़ेगी या तो यहां से नीचे से कहीं पे हो सकती है और ऊपर से हो सकती है। अच्छा एन की इकलौती बहन कौन थी, जे, जे इकलौती बहन है एन की, तो के क्या हो जाएगा, के लड़का हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, बना दिया, ठीक है। ओके एल इज नॉट अ ग्रैंड सन ऑफ ओ, का ग्रैंड सन एल नहीं है, तो एल यहाँ पे नहीं आएगा, एल यहाँ पे तो नहीं आएगा है ना, एल यहाँ नहीं आएगा, एल कहीं और जाएगा। और एल इज नॉट अ ग्रैंड सन, अब एल ग्रैंड सन नहीं है तो कोई और हो सकता है। एच एंड एल आर ऑफ द सेम जेंडर, एच लड़का है और एल भी क्या होगा, लड़का, दोनों ही सेम जेंडर के हैं, क्योंकि भाई एक लड़का यहाँ पे आना है, एक लड़का यहाँ पे आना है, तो एच और एल में से कोई आएगा ना, अगर एच लड़का हुआ तो एल भी लड़का हुआ, दोनों लड़के हो गए। अब दोनों अगर लड़के हो गए तो, अब देखो दोनों अगर लड़के हो गए, दोनों अगर लड़के हो गए तो एक लड़के की शादी एम से हो सकती है, हाँ ठीक है, अभी हो सकता है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। अभी पता नहीं है कि ओ का स्पाउस बनेगा कि नहीं बनेगा। एम इज सिटिंग एट द सेम टेबल एज एल्स डॉटर, एल की डॉटर, अब एल की अगर डॉटर है तो एल की शादी एम से नहीं करा सकता, क्योंकि फिर चौथी जनरेशन आ जाएगी और हमें चाहिए तीन जनरेशन, तो एल की डॉटर बनाने के लिए मेरे को ओ से शादी करानी पड़ेगी एल की। एंड ओज स्पाउस, अच्छा ओ का स्पाउस बोल दिया मतलब ओ की शादी होगी, और एल क्या हो गया, लड़का हो गया, और ओ क्या हो गई, लड़की हो गई, और एच आ जाएगा यहाँ पे, तो अपना ब्लड रिलेशन पूरा बन के आ गया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये बन के आ गए। अब ये बकवास लाइन दे रखे हैं, अब इसको हम लोग फिक्स करेंगे टेबल पे फटाफट से कैसे करना है, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, जे सिस्टर ऑफ एन, जे इज द ओनली सिस्टर ऑफ एन, यहाँ पे जे का स्पाउस आ रहा है ना, जे के स्पाउस की जगह पे क्या आएगा ये देख लेते हैं, जे के स्पाउस की जगह पे आएगा आई, तो जे के स्पाउस की जगह पे हम लिख देंगे क्या, आई लिख देंगे, आई या तो अपना यहाँ पे आएगा या फिर आई अपना यहाँ पे आएगा, जे के स्पाउस, ठीक है। अच्छा केज सिस्टर, के की सिस्टर कौन है, के की सिस्टर है जे, जे एंड द ओनली सन ऑफ आई, आई का ओनली सन कौन है, एच, तो आई और एच जो है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और डिफरेंट टेबल पे बैठे हैं, आई और एच, के की सिस्टर कौन है, केज सिस्टर, के की सिस्टर है जे और ओनली सन ऑफ आई, आई का ओनली सन है एच, तो जे और एच एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जे और एच एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो एच आएगा यहाँ पे और एच आएगा यहाँ पे और डिफरेंट टेबल पे भी हो गए दोनों, ठीक है।
आई इज द सन इन लॉ ऑफ ओ, आई सन इन लॉ ओ का ठीक है, एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ के और ब्रदर इन लॉ के का ठीक है, आई हैज नो सिबलिंग नहीं है, ओनली टू मैरिड कपल आर देयर इन द फैमिली, दो मैरिड कपल हो गए, ईच कपल हैज एटलीस्ट वन सन, दोनों कपल का एक लेस एटलीस्ट एक बेटा यहाँ ठीक है, हटाओ। एम इज द नीस ऑफ एन, और एन के लिए बोल रहा है एन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ, एन इमीडिएट राइट में है, एन आई आर का मतलब इमीडिएट राइट, ओज ओनली ग्रैंड डॉटर, ओ की इकलौती ग्रैंड डॉटर कौन है, एम, तो एन इमीडिएट राइट में है एम के। अब एन इमीडिएट राइट में है एम के कैसे होगा, अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, ठीक है, इधर लिख लेता हूं, एन आई आर एम, एन इमीडिएट राइट में है एम के। एन इज द सन ऑफ द वन हु इज द मतलब के, हटा दो इस लाइन से मतलब नहीं है, एन इज ये एन सन है जो के की माँ ओ, तो हाँ ठीक है अच्छी बात है। जे इज मदर, जे की मदर कौन है, ओ, ओ फेसिस द वन, ओ किसको फेस कर रहा है, ओ फेसिस द वन, या फिर ओ फेसिस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के इज मदर, ओ उसको फेस कर रही है, किसको फेस कर रही है, ओ जो इमीडिएट लेफ्ट में के ब्रदर के, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के का ब्रदर कौन है, के का ब्रदर एन है, एन इस तरीके से, तो एन तो भी हमारे पास आया ही नहीं है ना कहीं पे, ठीक है इसको भी होल्ड पे रखेंगे, एन एम और ये ठीक है। एल इज नॉट ग्रैंडसन ऑफ ओ, एच एल सेम जेंडर हटा दो, एम इज सिटिंग एट द सेम टेबल एज, एम सेम टेबल पे है एल की बेटी की जैसे, तो एल की बेटी जे, तो मतलब जिस टेबल पे जे बैठी है उसी पे एम आएगा, तो एम हमारा कनेक्ट हो सकता है, एन इमीडिएट राइट में एम के, एन इमीडिएट राइट में एम के, तो एम यहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि एम के लिए बोला है एम जो है एल की बेटी की सेम टेबल पे, तो एल की बेटी जे थी, देख लो एल की बेटी जे, तो जे इस टेबल पे, तो एम यहाँ पे आ गया, जे अगर यहाँ पे, तो एन इमीडिएट राइट में एम के, एन यहाँ रहेगा, एम यहाँ रहेगा, एन इमीडिएट राइट में हो गया एम, ठीक है। अच्छा एन से रिलेटेड एक पॉइंट था कि जो इमीडिएट लेफ्ट में है एन के उसको ओ फेस कर रहा है, एन के इमीडिएट लेफ्ट में एम है तो इसको ओ फेस यहाँ पे करेगा, एन के इमीडिएट लेफ्ट में एम है तो इसको फेस ओ करेगा ऐसे, ठीक है ये पॉइंट भी हो गया। फिर देखो क्या बोला है, ओज स्पाउस, ओ का स्पाउस है एल, एल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन ब्रदर, ओ का स्पाउस एल, एल इमीडिएट लेफ्ट में है एन का भाई, एन का भाई कौन है, एन का भाई के, एल इमीडिएट लेफ्ट में है के, एल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, तो एल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के कैसे बनेगा, एल यहाँ पे आएगा और के यहाँ पे आएगा, एल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के हो गया, ये केस सही जा रहा है इसमें, तो एल इमीडिएट लेफ्ट के का बनेगा नहीं, तो ये केस क्या हो गया गलत, ये केस क्या हो गया गलत, केस टू इज गलत, केस नंबर वन इज राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन पाया, पजल कैसे लेके जरूर बताइएगा, और ये ना एग्जामिनेशन बेस्ड पजल है, आप ऐसे ही पजल एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में आसानी से, अच्छी लग रही है तो सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, आगे मूव करेंगे दोस्तों, और ये हिंदी में दे रखा है फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर विलिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन इन हिंदी। चलिए आगे क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्शन का, थ्री कार्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिटी फ्रॉम पॉइंट जेड, एक पॉइंट जेड से स्टार्ट कर रही है तीन कार, मूविंग सम डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, और कुछ यहाँ पे कंडीशंस दे रखी हैं, कंडीशन क्या दे रखी है, अगर एट द रेट मिल रहा है पी एट द रेट क्यू 18 मीन्स पी 15 मीटर नॉर्थ में, मतलब 18 दे रखा है, एट द रेट का मतलब जो भी नंबर दे रखा होगा उससे तीन कम कर दिया है, 18 से 15 कर दिया है, एंड दे रखा है 21 से 25 मतलब 4 ऐड कर दिया है, परसेंटेज दे रखा है परसेंटेज में भी 3 ऐड कर दिया है, और हैश में क्या किया हैश में 4 माइनस कर दिया, ठीक है ये हम लोग इसमें कनेक्ट करते रहेंगे, यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, यहाँ पे ओहो जगह नहीं छोड़ी मैंने सॉल्व करने के लिए, कैसे काम चलेगा भाई, चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है यहीं सॉल्व कर देते हैं, वाई एट द रेट जेड दे रखा है, वाई एट द रेट जेड का मतलब क्या है, देखो वाई एट द रेट जेड का मतलब ये होगा कि कलर चेंज करते हैं, ओके एट द रेट का मतलब है 15 मीटर, मतलब जो दे रखा है उससे तीन डिस्टेंस कम है, तो वाई एट द रेट जेड का मतलब हो गया वाई नॉर्थ में हो गया जेड के, और तीन कम मतलब 12, तो वाई नॉर्थ में हो गया जेड के, वाई नॉर्थ में हो गया जेड के, और कितनी दूरी पे हो गया 12, ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को विजिबल होगा। फिर टी और वाई दे रखा है, परसेंटेज का मतलब है 24 से 27 मतलब 3 ऐड हुआ है और आगे वाला ईस्ट में है, तो टी ईस्ट में होगा वाई के, टी ईस्ट में हो गया वाई के, और 24 से 27 तीन बढ़ा, तो यहाँ 9 से 3 बढ़ के कितना हो जाएगा 12, 12 मीटर, ठीक है। फिर एस और डब्ल्यू भी कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन टी और एस कनेक्ट हो सकता है, हैश का मतलब है 11 मतलब 15 से 11 मतलब 4 माइनस हुआ है, और क्या है साउथ, तो टी साउथ में हो जाएगा एस के 14, क्योंकि 15 से 11 मतलब 4 माइनस हुआ है, तो टी साउथ में होगा एस के, एस यहां बन जाएगा और कितना है 14 मीटर, ये 14 यहां पे बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर बोला है वी हैश डब्ल्यू, वी हैश डब्ल्यू, वी हैश डब्ल्यू, या फिर मैं पहले एस एंड डब्ल्यू ये भी तो कनेक्ट कर सकता हूँ, एंड का मतलब है वेस्ट और कितना है 21 से 4 ऐड हो गया, तो
एस वेस्ट में हो जाएगा डब्ल्यू के 8, एस वेस्ट में हो जाएगा डब्ल्यू के 8, तो डब्ल्यू आ जाएगा अपना इधर खींच के, एस वेस्ट में हो गया डब्ल्यू के 8 मीटर, ठीक है। फिर टी एस हो चुका है, फिर वी हैश डब्ल्यू, वी हैश डब्ल्यू हैश का मतलब है वही साउथ और 4 कम, तो वी साउथ में हो जाएगा डब्ल्यू के 38 से 34, मतलब 4 कम, तो भाई देखो 14 मीटर तो ये बनेगा है ना, और 12 मीटर ये बन गया, और 8 मीटर ये बन गया, ठीक है। तो V 30 मीटर हो गया, नहीं 34 हो गया ना, 12 और 8 20, 20 और 14 34, तो V साउथ में आ गया और W के 34 मीटर। फिर R और A दे रखा है, लेकिन R और A अभी कनेक्ट नहीं हो सकता इन पॉइंट्स में से, ठीक है। इनको एक मिनट, पॉइंट के नाम सही है यार, अब ज्यादा चुल्ल नहीं कर रहे हैं इसमें, ये सही है ठीक है। फिर वी और आर देखते हैं, देखो वी और आर कनेक्ट हो जाएगा, परसेंटेज दे रखा है 27 मीटर ईस्ट, मतलब 24 से 3, मतलब 3 बढ़ा दिया 27 हो गया, तो वी ईस्ट में होगा आर के 14, वी ईस्ट में होगा आर के 14, तो ऊपर वाला 8 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी मेरे दोस्त, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये 8 होगी है ना, और मुझे करनी है 14, तो 6 मतलब इसका आधा कर दूं, इसका आधा इस तरीके से, और वी आर के 14 मीटर ईस्ट में हो गया, ठीक है। परसेंटेज मतलब ईस्ट था इसलिए, ओके। ये बीच में से मैंने तोड़ दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो बीच में। और आर और ए के बारे में दे रखा है एट द रेट मतलब है नॉर्थ, तो आर ए के नॉर्थ में हो जाएगा, और 19 मतलब 18 माइनस 3 15, तो 19 माइनस 3 16, तो आर ए के, आर जो है ए के 16 मीटर नॉर्थ में, तो ए कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पे 16 मीटर ये, और ए आ गया अपना यहाँ पे मीटर मीटर मीटर, ठीक है। ये मुझे लग रहा है दिक्कत देगा, अभी जगह नहीं बचेगी ना, तो मेरे को लग रहा है दिक्कत देगा। चलो यहाँ पे ये तो बन गई कार्बन की है ना, ये मैंने करा है रेड कलर से, रेड कलर से मैंने किया। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, कार टू को चलाएंगे जेड पॉइंट से ही, कहां से चलेगी वो भी जेड पॉइंट से चलेगी। अब ये कौन सा है, ये जो हम कर रहे हैं येलो लिखते रहे हैं, इसको येलो ही कलर दिख रहा है इसलिए, ठीक है। कार टू को चलाते हैं, यू एंड जेड, एंड का मतलब है वेस्ट, और 21 से 4 25, तो 8 और 4 12, तो वेस्ट में, तो यू वेस्ट में हो जाएगा जेड के, तो यू वेस्ट में हो गया जेड के इस तरीके से, और कितना हो गया 12, ठीक है। एंड मतलब यही ऐड करना था 21 से 25। फिर देखो यू एट द रेट जे, एट द रेट मतलब नॉर्थ था, और 18 से 3 कम हुआ है, तो 11 से 3 कम 8, तो यू नॉर्थ में हो जाएगा जे के 8, तो 8 देखो ये है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ना ये यहां तक मिल जाएगी इस तरीके से, ये है ना, तो 8 यहां पे हो गया, और ये कौन सा आ जाएगा जे, ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया जे। फिर पी एंड जे, एंड का मतलब है वेस्ट, तो वेस्ट में भी 4 ऐड हुआ है, तो पी जे के वेस्ट में हो जाएगा 16, पी वेस्ट में हो जाएगा जे के कितना 16, तो ये 16 लिख दिया, और यहां पे पी लिख दिया, भगवान जगह कम पड़ेगी क्या। फिर एम एन दे रखा है, एम एन कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन एन और पी कनेक्ट हो सकता है, एन और पी में हैश दे रखा है, हैश मतलब साउथ, और 15 से 4 माइनस करके 11, तो एन साउथ में जाएगा पी के 28 माइनस 4 24, तो एन साउथ में जाएगा पी के 24 मीटर, का मतलब क्या हो गया कि मेरे दोस्त 16 तो ये हो गया, और ये हो गया एन 16, और 8 नीचे मैं खींच दे रहा हूं इस तरीके से है ना, 16 और 8 24, और एन है ना, तो एन मैंने वहां क्यों लिख दिया, एन को यहां से मैं हटा दे रहा हूं, एन को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एन 16, एन 24 साउथ में हो गया पी के, और एम और एन में देखा है परसेंट, परसेंट का मतलब क्या था, परसेंट का मतलब है ईस्ट, और 24 से 3 बढ़ के 27, तो 25 में 3 जोड़ के 28, तो एम ईस्ट में आएगा एन के 28, तो ईस्ट में 28 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 16 तो ये वाली दूरी पी और जे की, और 12 ये वाली दूरी, तो मतलब 28 मीटर जो खिंच के आएगा ना, इस एन को मैं जरा यहां से हटा के कहीं और लिख देता हूँ, एन बन गया यहाँ पे, और 16 मीटर की दूरी तो ये वाली हो गई, और 12 मीटर की दूरी ये वाली हो गई, और ये हो गया एम, ये कौन हो गया एम, एम 28 मीटर आ गया, एम 28 मीटर ईस्ट में आ गया एन के, ठीक है। ये कार बी को चला दिया, क्या है बकवास सा लग रहा है एकदम गंदा सा, छी। और दूसरा भी देख लेते हैं अब जरा, कार नंबर 3 को, इसको ब्लू कलर से डिनोट कर देंगे, अब ब्लू कलर से बनाएंगे ना, यहाँ पे पूरी खिचड़ी पक जानी है। आई और जेड हैश दे रखा है, हैश मतलब साउथ,
तो 4 माइनस हुआ है तो आई जेड के साउथ में जाएगा, 4 माइनस करके 16। 16 का मतलब क्या हो गया, 8 ये वाली दूरी है ना, 8 तो ये वाली दूरी, और 8 अपनी आधी दूरी यहां पे मान लेते हैं ये वाली, क्योंकि ये पूरा 16 है तो 8 हमने यहां पे मान लिया और आई हो गया यहाँ पे। ये बहुत परेशान करेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत दिक्कत होगी, मैं मान रहा हूँ इस चीज को। फिर एंड दे रखा है एक्स एंड आई, और एंड का मतलब क्या है मेरे दोस्त, एंड का मतलब है कि 21 प्लस 4 हो रहा है, तो 28 और 4 32, तो एक्स जो होगा वेस्ट में आएगा आई के, एक्स वेस्ट में आएगा आई के 32, ठीक है, तो 32 वेस्ट में जाएगा तो 12 और 16 28, तो ये हो जाएगा देखो 16 ये, 12 ये, 12 और 16, ठीक है, 16 12 28, और 4 आगे खिंच जाएगा, 4 आगे मतलब यहां पे ऐसे खिंच गया ये, और ये कौन हो गया, एक्स हो गया, ये एक्स बन गया यहाँ पे, ठीक है, एक्स आई के 32 साउथ वो वेस्ट में आ गया। फिर ओ एट द रेट एक्स, ओ एट द रेट एक्स, यार थोड़ा और बीच में बना था ना सेंटर में तो शायद वहां जगह मिल जाती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। एट द रेट का मतलब है नॉर्थ, तो ओ नॉर्थ में जाएगा एक्स के, और 18 माइनस 3 हुआ है तो यहाँ पे 31 माइनस 3 28, तो ओ नॉर्थ में जाएगा एक्स के 28, तो कितना आएगा 16, तो ये वाली दूरी बनेगी 16, ये वाली दूरी बन गई, 8 ये वाली बनेगी, कितना जाना है उसको 28 जाना है, तो 16 और 8 24 हो जाएगा, 16 ये 8 ये, 16 और 8 24, और 4 और खींचना ऊपर, 4 और खींच दिया तो यहाँ पे कौन बन जाएगा अपना, ओ बन जाएगा, ओ आ गया यहाँ पे। फिर परसेंट, परसेंट का मतलब है ईस्ट, तो के ईस्ट में जाएगा ओ के, और 24 3 27, तो 21 3 24, 24 जाएगा, 24 का मतलब क्या हो गया कि 16 तो ये वाली दूरी हो जाएगी, 16 दूरी ये वाली हो गई, और 8 और जाना है, 8 का मतलब क्या हो गया कि इतना और आधा काट दूंगा मैं, ये 8 और ये इधर आ जाएगा के, पूरी सड़ फैल गई है, एकदम बकवास लग रहा है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेना अपनी कॉपी में बना के, मैं यहाँ पे आइडिया देते रहूँ बस। एल हैश के 24, हैश का मतलब है साउथ, तो एल साउथ में जाएगा के कितना, -4 मतलब 20, एल साउथ में जाएगा के 20, तो 20 का मतलब हो गया 8 और 4 12, हे भगवान ये क्या हो रहा है, मतलब 4 ये और 8 ये, 8 और 4 12, और ये 16 दे रखा है, 16 का आधा करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे आधा करना पड़ेगा 8 है ना, 8 और 4 12 और 8 20, और ये आ जाएगा कौन, एल, ये पॉइंट हो गया अपना एल, ठीक है, बहुत छोटा सा एल लिख दिया मैंने। और आर परसेंट एल, आर परसेंट, परसेंट का मतलब है ईस्ट, और 24 से 3 ऐड करना, तो 11 और 3 14, तो आर एल, आर ईस्ट में जाएगा एल के, आर ईस्ट में जाएगा एल के कितना, 14, 14 का मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे दोस्त 8 दूरी तो ये वाली होगी और 6 दूरी इसकी आधी होगी, और यहां पे आ जाएगा आर, भाई समझ में भी नहीं आ रहा होगा किसी को, आर और ये 6 दूरी, ये ऐसे जो भी है यही आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एल एंड जे, एल और जे के बीच ही कम से कम दूरी कहाँ है, एल कहाँ है, एल अभी अभी बनाया, देखो एल ये क्या, ये छोटा सा पॉइंट, ये वाला जो एल है मैं इसको हाईलाइटर से दिखा दे रहा हूँ, दिस पॉइंट इज एल, ये वाला जो है वो एल है, और जे कौन सा था, जे ये वाला है, जे ये वाला है, अब जे कौन सा है, हे भाई जे ये वाला है, ये वाला है जे, यू के नीचे था ना जे, हाँ जे ये वाला है, तो आपको पूछा है कि एल और जे के बीच ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, तो एल और जे के बीच ही जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना वो कुछ इस तरीके से बनेगी, 10 बन के आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि बेस दे रखा है 6, बेस दे रखा है 6, क्योंकि एल और जे ये क्या, देखो ये हाई परपेंडिकुलर दे रखा है 8 और ये दे रखा है 6, तो मेरे हिसाब से 8 और 6 का जो होता है ना वो 10 ही होता है, लेकिन 10 तो है नहीं इसमें, 8 64 6 36, ठीक है 10 बनेगा यार, पता नहीं, देखो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, यार ये आप लोग सेल्फ कर लेना, सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जगह ना होने के कारण मैं सही से नहीं कर पाया हूँ, तो ये आप लोग सेल्फ कर लेना, ये ओ क्यू कहाँ से, एल और जे रहेगा, एल और जे है, ठीक है एल और जे रहेगा, इसमें 10 होना चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, 8 दूरी ये वाली है और ये इधर है 6, 6 की 16 है, 6 है कि 16 है, 64 256 और 64 6 4 10 5 6 12,
3 साल, तो 56 16 नहीं, कितना है भगवान ही जाने। एल और आर ये गया ना, तो कितना था परसेंट का मतलब था, और 24 तो 11 3 14, पता ही नहीं है भाई। आठ, हाँ आठ आठ है ये, सॉरी कितना, आठ है ये, क्योंकि ये वाली दूरी 8 थी यहां से लेकर यहां तक 8 थी, ये 8 6 14, तो 8 और 8 64 128, मेरे हिसाब से इसका आंसर है नन ऑफ दीज आएगा, ऑप्शन नंबर ई आना चाहिए, नन ऑफ दीज। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना क्या आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स की डायरेक्शन क्या है विद रेस्पेक्ट टू पी, एक्स कहाँ पे, पी से। अब पहले तो एक्स को ढूंढ लू, इतनी सारी जगह पे एक्स कहाँ मिलेगा मेरे को, ये एक्स कहाँ है, एक्स ये गया, मिल गया एक्स, एक्स ये गया, और पी अपना ये गया, तो एक्स जो जा रहा है वो अपना कहाँ जा रहा है, साउथ, साउथ वेस्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, साउथ वेस्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है चलो, बाकी ये दो आपने आप बता देना, आप लोग होमवर्क में ले लो इनको, होमवर्क में आप लोग कमेंट करके इनके आंसर बता देना क्या बनेगा। आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना, मैंने तो थोड़ा रफली बना दिया क्योंकि जगह नहीं थी, तो सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, सभी को नमस्कार, थैंक यू, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, टिल देन नमस्कार, जय हिंद, राधे श्याम।